भाई ऐसा ही बोल लो कि मैं जो है वो अपने पैर पे कुहाड़ी मारने के लिए जो है वो जा रहा हूँ। उसे देख लेना, आई बटन में मैं लिंक दे रहा हूँ, तो वहां पे जाके जरूर से देख लेना कि भाई अपनी क्या जो चीज है वो चल रही है ओला के साथ। तो फाइनली भाई मैं जो हूँ वो ओला S1 बुक कर रहा हूँ। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरी प्रोसीजर बताने वाला हूँ कि कैसे आप जो है वो ओला S1 बुक कर सकते हो, डाउन पेमेंट से लेके सारा कुछ जो है वो आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगा। वरना भाई ओला की तरफ से मैं जो है वो जरा भी इंप्रेस नहीं हुआ हूँ, एंड उनकी तरफ से जो है वो ये मैं बुकिंग नहीं कर रहा हूँ। मैं तो भाई बस अपना पर्सनल, मेरे जो दोस्त यार हैं उनके पास से मैंने थोड़ा बहुत रिव्यू लिया और उनके बेसिस पे जो है ये मैं व्हीकल जो है वो परचेज करने के लिए जा रहा हूँ। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मैं सारा कुछ बताने वाला हूँ। एंड हाँ गाइस, मैं जो हूँ पर्सनली फाइनेंस करने वाला हूँ थोड़ा बहुत, तो वो भी आपको पता चल जाएगा कि कैसे इसमें फाइनेंस करते हो, क्या कुछ सारी चीजें होती है। तो मेक श्योर वीडियो को एंड तक जरूर से देखना, ठीक है? तो चलो अभी अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो भाई यार, मैं हूँ शानू पटेल। तो भाई जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमारा ओला के साथ इतना कुछ अच्छा एक्सपीरियंस रहा नहीं था, बट फिर भी भाई अभी जो है भाई मेरी मजबूरी है। अभी भाई ऐसा ही बोल लो कि मैं जो है वो अपने पैर पे कुहाड़ी मारने के लिए जो है वो जा रहा हूँ। तो अगर आपने भाई पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप जरूर से देख लेना, आई बटन में मैं लिंक दे रहा हूँ, तो वहां पे जाके जरूर से देख लेना कि भाई अपनी क्या जो चीज है वो चल रही है ओला के साथ। तो बेसिकली मैंने भाई उन लोगों को टेस्ट ड्राइव के लिए बोला था, बट वो टेस्ट ड्राइव अभी तक नहीं कर पाए हैं। तो भाई क्या ही कर सकते हैं, छोड़ो वो सारी चीजें। तो मैंने भाई आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अपने पास बेसिकली दो ऑप्शंस थे, एक था अपना ओला S1 और दूसरा था अपना एथर 450। अभी आपको भी पता है कि एथर जो है वो लेना इस टाइम पे वैल्यू फॉर मनी बिल्कुल भी नहीं है, एंड अगर देखने के लिए जाए तो अच्छा ऑप्शन तो ओला S1 ही निकल के आता है। बट अभी मेरे को व्हीकल की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, एंड मेरे को आज के आज कोई ना कोई व्हीकल तो जो है वो बुक करना ही पड़ेगा। तो फाइनली भाई मैं जो हूँ वो ओला S1 बुक कर रहा हूँ। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरी प्रोसीजर बताने वाला हूँ कि कैसे आप जो है वो ओला S1 बुक कर सकते हो, डाउन पेमेंट से लेके सारा कुछ जो है वो आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगा। अभी भाई जो हम ओला S1 बुक कर रहे हैं वो ओला की सेल सर्विस की वजह से हम बिल्कुल भी नहीं कर रहे, बिकॉज उनकी सेल सर्विस मेरे को जरा भी पसंद नहीं आई। बट एक्चुअली मेरे एक रिलेटिव के पास ओला S1 है, एंड मेरा एक फ्रेंड का फ्रेंड जो है उसके पास ओला S1 प्रो है। तो उसका मैंने एक्चुअली रिव्यू लिया था, उसको ऑलमोस्ट 1 ईयर होने को आया उसकी S1 प्रो को। तो उसने बताया कि भाई ऐसा कोई मेजर इश्यू नहीं है, बहुत ही अच्छे से चलती है गाड़ी, कोई भी उसको अभी तक इश्यू फेस नहीं हुआ इतना कुछ मेजर। तो उस वजह से जो है उन लोगों के बेसिस पे जो है वो मैं अभी गाड़ी जो है वो बुक कर रहा हूँ। वरना भाई ओला की तरफ से मैं जो है वो जरा भी इंप्रेस नहीं हुआ हूँ, एंड उनकी तरफ से जो है वो ये मैं बुकिंग नहीं कर रहा हूँ। मैं तो भाई बस अपना पर्सनल, मेरे जो दोस्त यार हैं उनके पास से मैंने थोड़ा बहुत रिव्यू लिया और उनके बेसिस पे जो है ये मैं व्हीकल जो है वो परचेस करने के लिए जा रहा हूँ। तो मेक श्योर वीडियो को एंड तक जरूर से देखना, बिकॉज अगर आपको भी ये स्कूटी परचेस करनी है तो क्या क्या प्रोसीजर रहने वाला है वो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मैं सारा कुछ बताने वाला हूँ। एंड हाँ गाइस, मैं जो हूँ पर्सनली फाइनेंस करने वाला हूँ थोड़ा बहुत, तो वो भी आपको पता चल जाएगा कि कैसे इसमें फाइनेंस करते हो, क्या कुछ सारी चीजें होती है। तो मेक श्योर वीडियो को एंड तक जरूर से देखना, ठीक है? तो चलो अभी अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आई होप आपको कैमरा में जो है वो क्लियर दिख रहा होगा। तो अभी मेरे इस फोन की स्क्रीन जो है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। तो अभी जो है बेसिकली हम अपना ओला S1 जो है उसको बुक कर लेते हैं। बुक क्या कर रहे हैं, बेसिकली डाउन पेमेंट ही जो है अभी आपको सीधा ऑप्शन आ जाता है। अभी आपको ऐसा कोई भी प्रोसीजर नहीं है कि पहले बुक करना है फिर उसके बाद जाके पेमेंट विंडो खुलेगा, वो सारा अभी सीन जो है वो नहीं है। अभी सीधा डाउन पेमेंट भरो और अपना जो परचेस है उसको कन्फर्म करो। तो अभी अपनी ओला की जो अपनी ऐप है, बेसिकली ओला कैब्स ऐप जो है, उसमें आके आपको इलेक्ट्रिक सेक्शन में आना है। तो आपको कुछ जो है ऐसा इंटरफेस दिख जाएगा। जैसे ही आप आते हैं तो आपको यहाँ पे ओला S1, S1 प्रो सारे दिख जाएंगे। अभी हम सीधा ऑर्डर नाउ के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा लोड ले रहा है। ओके, तो यहाँ पे S1, S1 प्रो दो ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है? तो अभी S1 को अपना नियो मिंट कलर में जो है बेसिकली मैं परचेस करने वाला हूँ, तो उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। और मैं अपना पिन कोड यहाँ पे ऑलरेडी मैंने डाला हुआ है, तो बस आपको यहाँ पे सिंपली जो है वो अभी कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ठीक है? अभी जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो पहले भाई मैं अपने हिसाब से इंश्योरेंस करने वाला था, बट अगर मैं वो करूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम जो है वो चला जाएगा, तो इससे अच्छा है अपना ICICI लोम्बार्ड का इंश्योरेंस जो है वो प्रिफर करता हूँ। तो वही यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। एक्चुअली ये इंश्योरेंस थोड़ा महंगा है कम्पेयर टू अदर इंश्योरेंस, बट कोई दिक्कत नहीं है। बट ICICI का जो है वो मेरे को पर्सनली अच्छा लगता है। तो 9,122 का जो है ये पड़ेगा अपने को टोटल। तो कोई नहीं, यहाँ पे अपना इसको भी कंटिन्यू जो है वो कर देते हैं। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे अभी आपकी फाइनल प्राइस जो है वो आ चुकी है। तो बेसिकली अपना स्कूटर जो है वो 1 लाख के आसपास का है। रजिस्ट्रेशन टैक्स जो है वो 9,800 का है। हेलमेट अपने को चाहिए नहीं, बट फिर भी इन लोगों का जो है वो लेना पड़ेगा। तो 750 का वो है अपना इंश्योरेंस, 9,122 का। हैंडलिंग चार्जेस 1,888। तो ओवरऑल में अपने को 1,21,000 का जो है ये व्हीकल पड़ने वाला है, जिसमें अपने को 20,000 बैक मिल जाएंगे। तो आप यही समझ लो कि 1,01,000 के आसपास जो है ये हमको पढ़ने वाला है अपना ओला S1। तो सारी चीजें एक बार चेक कर लेते हैं, नियो मिंट कलर एंड एवरीथिंग। ओके चलो अभी इसके कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। अभी मैं जो हूँ बेसिकली 74,000 के आसपास कुछ जो है वो डाउन पेमेंट भरने वाला हूँ, और बाकी का मैं थोड़ा लोन करने वाला हूँ।
तो यहाँ पे आप जैसे ही देख सकते हो बैंक ईएमआई ऑप्शंस आपको मिलता है, उसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपको ये सारी जो डिटेल्स है वो भरनी रहती है। तो जल्दी से एक बार मैं भी अपनी सारी डिटेल्स जो है वो भर देता हूँ। 5 minutes later अभी ये जो बेसिकली चीज है आपके सिविल स्कोर के ऊपर डिपेंड करती है कि आपको कितना इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। हमारा सिविल स्कोर बहुत अच्छा है तो हमको 8.99 जो अभी ऑफर शो कर रहा है कि इतना सिविल स्कोर जो है आपको मिल सकता है, तो वही जो है हमको यहाँ पे मिला है। तो सिंपली यहाँ पे मैं जो हूँ IDFC फर्स्ट बैंक का जो हूँ वो चूज करने वाला हूँ। एंड यहाँ पे भी आपको थोड़ी बहुत डिटेल्स भरनी पड़ती है तो वो भी हम जल्दी से भर लेते हैं। अभी यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाता है डाउन पेमेंट का, तो डाउन पेमेंट मैं जो हूँ वो 74,000 जो हूँ मैं पे करने वाला हूँ। तो अपना जो है वो कुछ EMI बनेगा 2400 का, बेसिकली मैं 24 मंथ्स के लिए जा रहा हूँ तो 2400 के आसपास का अपना EMI बनेगा। तो उसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, अपना इंटरेस्ट रेट 8.99 जो कि अच्छा ही है, कुछ इतना बुरा है नहीं, ठीक है। तो बस सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देते हैं एंड अभी जो है भाई अपना यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन जो है वो आ चुका है। तो यहाँ पे अभी बेसिकली मैं 73,878 रुपीज़ जो हूँ वो पे करने वाला हूँ। तो यहाँ पे सीधा अपना डेबिट कार्ड या UPI से कर लेते हैं, UPI से बेसिकली कर लेते हैं चलो। तो यहाँ पे मैंने अपना UPI ID डाल दिया एंड यहाँ पे चलो भाई अपना जो पेमेंट है वो डन हो चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हो ऑलरेडी यहाँ पे टिक मार्क आ चुका है डाउन पेमेंट डन, ठीक है। अभी अपने को क्या करना है, लोन जो है वो अभी अप्रूवल में है, वो एक बार अप्रूव हो जाएगी तो उसके बाद जाके हमको और एक स्टेप जो है वो करना पड़ेगा, बेसिकली अपना सारा डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑटो डेबिट एंड लोन सेक्शन में जो है वो चलते हैं। डाउन पेमेंट तो अपना पे हो गया, तो यहाँ पे आपको जो है वो थोड़ी बहुत डिटेल्स डालनी पड़ सकती है, बेसिकली आपका जो भी बैंक अकाउंट है उसकी सारी अकाउंट डिटेल्स डालनी पड़ती है, तो जिससे आपका जो EMI है वो उस अकाउंट से कटे। तो यहाँ पे हम वो सारी चीज़ें कर लेते हैं, तो बस बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन से आपको डालनी है एंड उसके बाद आपको बस थोड़ा बहुत अपना ये मैं थोड़ा हाइड कर रहा हूँ बिकॉज सारी बैंक की चीज़ें मैं कर रहा हूँ इस वजह से। तो चलो मैंने यहाँ पे ये सारी अपनी भी चीज़ें जो थी वो मैंने डाल दी, तो वो भी अपनी यहाँ पे जो है वो हो गई। अभी भाई बेसिकली आता है अपना डॉक्यूमेंट सेक्शन, तो वो जो चीज़ है भाई आप अपने हिसाब से भर सकते हो, बस कुछ भी नहीं, आपको अपना आधार कार्ड डालना है, पान कार्ड डालना है, फिर आपके जिस भी एड्रेस पे आपको वो चाहिए अपना ओला स्कूटर वो डालना है, बस वही सिंपल स्टेप्स हैं। उसके अलावा जो है आपको कुछ भी ज़्यादातर है चीज़ नहीं करनी है। तो बस यही सिंपल स्टेप्स थे अपना, अभी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो हो जाएगा 1 दिन या 2 दिन के आसपास, तो अपना सारा कुछ अभी अपनी तरफ से जो है वो डन हो जाएगा। अभी आगे की जो प्रोसीजर है वो ओला वालों को करनी है, बेसिकली स्कूटर रेडी करना है सारा कुछ। हमारा काम बस यही तक था कि हमारे जो डॉक्यूमेंट थे वो हमको अपलोड करने थे, बस आप वो एक बार कर दोगे तो आपका ये स्टेप भी डन हो जाएगा, उसके बाद सारा कुछ जो है वो ओला करेगी। एंड हाँ गाइस, अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना, तो मैं वहां पे जरूर से रिप्लाई दे दूंगा। तो आई होप आप सभी के ये वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जल्दी मिलेंगे ऐसे नए वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय। Make my wrist red.